जैन साथियों, वंस अगेन वेलकम बैक अगेन ऑन माय चैनल अनिल आर्मी राइटर। दोस्तों, बहुत अधिक स्वागत है मेरे चैनल के अंदर। आशा करता हूँ कि आप लोग अपने घर पर स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है सभी बच्चों के लिए। तो आज मैं बात करूँगा कि कैसे कैसे जो है SSGD का जो है मेडिकल हो रहा है और कैसे कैसे उसमें कैसे कैसे चीज़ें चाहिए, उसके अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लगने वाले हैं, और एक एक पॉइंट अगर आप इस वीडियो को देखोगे ना तो आप अपनी हर एक गलती को यहाँ से रेक्टिफाई जरूर कर लोगे और आप लोगों को यहाँ इस वीडियो से बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो जो SSGD का एग्ज़ाम है दोस्तों, उसमें कुछ चीज़ें आपको बता दूं कि मेडिकल में जो है एक दिन में जो ये जो वहाँ पर बच्चों की दौड़ हो रही है वो एक दिन के अंदर 50-55 बच्चों की दौड़ हो रही है, कभी 40, कभी 45, कभी 50, कभी 53, ठीक है। जिसमें से कि आपका 10-10 करके मेडिकल होगा, जो कि आपका सुबह से शाम उसमें पूरी हो जाएगी मेडिकल के अंदर ही आपकी, ठीक है ना। तो आपने खास चीज़ों का कुछ ध्यान रखना है यहाँ पर, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। 10 में से कितने का रेशो है दोस्तों यहाँ पर जो मेडिकल में आपको जो पास करेगा, 10 में से 4 का रेशो है जो मेडिकल में आपको पास कर रहे हैं, ठीक है। 10 में से 4 बच्चों को ही यहाँ पर सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है ना। 10 में से 4 ही बच्चे फिट हो पा रहे हैं। तो इसलिए बता रहा हूँ, हर एक चीज़ को अपने पॉइंट को बारीकी से समझना है और अच्छे से उसके ऊपर अपनी जो है तैयारी करके रखनी है, ठीक है ना, ताकि आप लोग क्या है मेडिकल में पास हो जाओ, ठीक है ना। अगर आप मेडिकल में वहाँ पर अनफिट हो जाते हो और उसके बाद आपका रीमेडिकल होता है तो घबराने की जरूरत नहीं, आपको टाइम मिलेगा उस गलती को सुधारने का, तो आप उसे उस गलती को टाइम से सुधार लेना। तो सारी चीज़ें बताऊंगा आगे, तो वीडियो को स्टार्ट ज्यादा देने का स्टार्ट करते हैं आगे, ठीक है। तो SSGD डॉक्यूमेंट जो सबसे पहले है उसके अंदर आपने गलती नहीं करनी है, आपने पूरे देखो वहाँ पर कुछ बच्चों का क्या हो रहा है। देखो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपने लेके ही जाना है अपना, अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, ठीक है ना। SC और OBC अगर आपने अप्लाई किया है ऑनलाइन, जिस चीज़ में आपने अप्लाई किया है उसके सर्टिफिकेट आपने ले जाना है। SC और ST का सर्टिफिकेट आपने ले जाना है, ये मैं आपको बताना है, भूल गया। SC और ST या फिर OBC हुआ, तो ये तीनों सर्टिफिकेट आपको चाहिए ही चाहिए, 101% चाहिए वहाँ पर। ऐसा नहीं करना कि वहाँ मत ले जाना दोस्तों, इसकी फोटोकॉपी ले जाना, 2 फोटोकॉपी रख लेना और इसका क्या है एक ओरिजिनल फोटोकॉपी इसकी पक्का लेके जाना, ठीक है। इस चीज़ का खास ध्यान रखना वहाँ पर, नहीं तो आपको फिर दोबारा से क्या है वहाँ पर एक एप्लीकेशन लिख के दोबारा से आपको फिर मेडिकल के लिए आपको आना पड़ेगा, इसलिए गलती नहीं करना, ठीक है। तो देखो, अभी जो मेडिकल हो रहा है जालंधर में, ठीक है ना, जालंधर में मेडिकल हो रहा है, वो एक वहाँ पर IDBP के अंदर हो रहा है, IDBP बटालियन है, ठीक है ना, बटालियन 30वीं जो है IDBP बटालियन इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, वहाँ पर क्या है मेडिकल हो रहे हैं। तो वहाँ की बात मैं आपको बता दूँ यहाँ पर पूरी कवरेज, यहाँ बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका वहाँ पर मेडिकल हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर जो है आज जो मेडिकल हो रहा है ना, बहुत ही मेडिकल इस बार बहुत ही सख्ती से हो रहा है भाई, इसी बात को आप समझ लिया दोस्तों इस बार, ठीक है ना, बहुत ही टाइट मेडिकल हो रहा है बिल्कुल भाई, ठीक है ना, 101% एकदम बिल्कुल एक्यूरेट मेडिकल हो रहा है भाई, ठीक है, इस चीज़ को समझ लो आप अच्छे, ठीक है। पहले आपको क्या चाहिए भाई, 10वीं का मार्कशीट चाहिए, यहाँ पर मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों लेके जाना, अगर CBSE बोर्ड से भी किया है या स्टेट बोर्ड से किया है, एक सर्टिफिकेट मिलता है एक मार्कशीट मिलती है, तो दोनों चीज़ ले जाना दोस्तों, ठीक है, और दोनों की दो दो फोटोकॉपी जरूर कर लेना, ठीक है ना, दो फोटोकॉपी, ठीक है। पहला का हो गया 10वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, दो कॉपी, ठीक है। सेकेंड हो गया आपका प्लस टू का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, इसकी भी दो कॉपी, ठीक है। तीसरा हो गया आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इसकी भी दो कॉपी ले जाना। SC ST OBC सर्टिफिकेट, इनकी भी दो कॉपी ले जाना, जो भी इससे बिलोंग करते हैं। चौथा हो गया पैन कार्ड की आपने दो कॉपी ले जानी है, उसके बाद आधार कार्ड की दो कॉपी कर लेना, उसके बाद आपका फोटो आपने 8 ले जाने हैं, पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है। उसके बाद आपने अपना पेन ले जाना है पक्का, उसके बाद आपने अपनी ग्लू ले जानी है, फोटो चिपकाने के लिए वहाँ पर आपको नहीं मिलेगा ये मैं बता देता हूँ, ठीक है, मिल भी जाएगा लेकिन बाद में, लेकिन आपको क्या है उसमें टाइम लगेगा फॉर्म भरने में, और उसका बहुत सारे क्योंकि इतने सारे बच्चे होंगे तो सबको वहाँ पर पेन और जो ग्लू जो है देना पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए अपना ही चीज़ ले जाना अगर आप खुद के लिए, क्योंकि आप खुद के लिए भर्ती देख रहे हो दोस्तों, ठीक है ना, किसी और के लिए भर्ती नहीं देख रहे हो, खुद के लिए देख रहे हो, इसलिए आपको खुद का ही खुद अपने ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। 9th है अपना स्टेपलर, एक रखना है तो रख लेना, वैसे कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, बट आप ये सारी चीज़ें भूलना नहीं, ये सारी चीज़ें आपने रख लेनी है अपने पास जब आप जा रहे हो, ठीक है। ये तो बात होगी दोस्तों यहाँ पर आपकी इसकी डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है ना, डॉक्यूमेंट्स की ये बात होगी। तो आपका मेडिकल जो यहाँ पर चल रहा है वो चल रहा हो रहा है यहाँ पर 3 डेज, 3 दिन लग रहे हैं दोस्तों वहाँ पर मेडिकल होने के लिए, 3 डेज का टाइम लग रहा है मेडिकल होने के लिए, क्योंकि रिपोर्ट्स आने में टाइम लगता है, जो आपका जो आपको हॉस्पिटल में जो वहाँ पर RME हो रहा है, ठीक है ना, RME हो रहा है, RME में टाइम लग रहा है, ठीक है, RME में आपका ब्लड रिपोर्ट, ठीक है, उसके बाद आपका यूरिनल
और एक्सरे, ये सारी चीजें होती है। तीनों चीजों में क्या टाइम लग जाता है रिपोर्ट आने में, तो उसकी वजह से क्या है 3 दिन उसके बाद क्या है फिर तीसरे दिन आपको जो है बताया जाएगा कि आप फिट हो कि अनफिट हो, ठीक है ना। तो ये चीज यहाँ पर समझ लेनी है आपने अच्छे से, ठीक है। अब मैंने कल भी अपनी वीडियो में कुछ चीज़ें बताई थी आपको, तो आई होप कुछ बंदों ने वीडियो देखा होगा, अभी तक कुछ बंदों ने नहीं देखा होगा, लेकिन इस वीडियो में और चीज़ें मैं कवर कर दूँगा आपके लिए, ठीक है। तो 3 दिन का मैंने बता दिया, 3 दिन का आपका मेडिकल रहने वाला है, ठीक है ना। एक सेपरेट वीडियो और बनाऊंगा सिर्फ मेडिकल मेडिकल की, मेडिकल मेडिकल में क्या होगा, ठीक है। ये तो आपको मैं मिक्स बता दिया मैंने आपको, ठीक है ना, कि सारे ये डॉक्यूमेंट्स का मैंने क्लियर कर दिया आपको और बता दिया कहाँ पर आपको जिसका मेडिकल यहाँ पर हो रहा है तो यहाँ पर ऐसे ऐसे मेडिकल हो रहा है, ठीक है ना। घबराने की जरूरत नहीं है, जो चीज़ें आपसे पूछी थी ये वहाँ पर वो प्रॉपरली सही बतानी है आपने। एक चीज़ और मेडिकल में दोस्तों आपने खास ध्यान रखना है, मेडिकल में अपने आपने जो आंखों के ऊपर जो लेंस लगाते हो आप, वो लेंस नहीं लगा के जाना है, गलती से भी वहाँ पकड़े गए तो वहाँ पर आपको रिजेक्शन रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। लेंस बिल्कुल नहीं होना चाहिए आपकी आंखों में, ठीक है, इस बात को ध्यान रख लेना, ठीक है दोस्तों। और एक चीज़ और बता दूँ आपको कि वहाँ पर अगर कोई भी आपको बाहर का पर्सन अदर पर्सन कोई आपको दलाल वगैरह मिलता है, वो आपको ये कहता है भाई मैं तेरे को इतना पैसे तो मेरे को दे देना, तेरे को भर्ती करा दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, नॉट पॉसिबल, ठीक है ना, ये पॉसिबल नहीं है। आप किसी के ऐसे बेकाबे में नहीं आना और किसी को पैसा मत दे बैठना दोस्तों। आप यहाँ पर भर्ती होंगे तो अपने बलबूते पे होंगे, ठीक है ना, अपनी मेहनत से होंगे, अदरवाइज नहीं हो सकते, ठीक है, इस बात को गांठ बांध लेना, किसी को भी एक पैसा देने की जरूरत नहीं है। आपका टोटली रजिस्ट्रेशन से लेके आपका मेडिकल तक टोटली वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें होंगी, ठीक है ना, किसी को भी एक पैसा देने की जरूरत नहीं है। अगर कोई हॉस्पिटल में भी आप वहाँ पर टेस्ट कराने जा रहे हो, कोई भी एक पैसा मांगता है आपसे, तो तुरंत जो आपके साथ वहाँ पर आपका मेडिकल कराने के लिए आए हैं उनको आपने बताना है कि मेरा बंदा मुझे पैसे मांग रहा है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। बहुत ही भाई वहाँ पर जितने भी स्टाफ है ना, बहुत ही वेल मेंटेन हर चीज़ वो कर रहे हैं, वो हर जितना भी वहाँ पर जो टोटली स्टाफ है बिल्कुल अच्छे से सारी चीज़ें कर रहे हैं, अच्छे से जो है सारी वहाँ फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइड कराई हैं अच्छे से करवाई है उन्होंने, ठीक है ना। तो अच्छे से वो अपने काम को कर रहे हैं और धीरे धीरे जो है स्टार्टिंग में जब कोई कहीं पर नई नई भर्ती मतलब कोई सेंटर होता है ना जहाँ पर नया नया मेडिकल भर्ती फिर तो वहाँ पर थोड़ा सा एक दो दिन सेट होने में लगता है, लेकिन जैसे ही सेटिंग हो जाती है वहाँ पर बैठ जाते फिर जल्दी जल्दी वहाँ पर वो चीज़ें होने लगती हैं, ठीक है ना। स्टार्टिंग में हर चीज़ में टाइम लगता है, लेकिन अब क्या है इसमें स्पीड पकड़ रहे हैं अभी धीरे धीरे, तो सारी चीज़ें अभी वन बाई वन कर अच्छे से हो रही हैं, ठीक है ना। तो आपने इस चीज़ का खासकर ध्यान रखना है जो चीज़ें मैंने आपको बताई, ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें मिस नहीं करनी है। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी तो अपने भाइयों के साथ और शेयर कर देना। तो मिलता हूँ इस तरह नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।